सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू साहब स्वागत है आप सभी का अगर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया नोटिफिकेशन जो भी हाल फिलहाल एक दो घंटा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की तरफ से छोड़ा गया है, होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की तरफ से। तो मैं जल्दी से इस ब्लॉग में आपको बता देता हूँ वो नोटिफिकेशन क्या है, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ, वो अनलॉक 4.0 का जो गाइडलाइंस का वीडियो मैंने छोड़ा था, तो उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने मुझको मैसेज करना शुरू किया कब खुलेगा सिक्किम एंड सारे कुछ। लेकिन उस ब्लॉग में मैंने लास्ट में बोल रखा था कि टूरिस्ट के लिए अक्टूबर तक अभी फ़िलहाल बंद है। तो अभी आज जो नया नोटिफिकेशन आया है इस ब्लॉग में मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी 1 तारीख से जो है 1 अक्टूबर 2020 सिक्किम का जो है इंटर स्टेट मूवमेंट वो खुल चुका है। तो 1 तारीख से जो है आप सिक्किम आ या जा सकते हैं बिना किसी ई पास के। जैसे कि अब पहले होता था आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था एक क्या बोलते पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद आपका ऑनलाइन पास आता था, फिर वो पास लेके जाते थे एंड क्वारंटाइन रहना पड़ता था, फिर आगे भी बहुत सारे SOPs थे जो फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब वो करना नहीं पड़ेगा। एंड अभी का जो प्रोटोकॉल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 तारीख से फ्री स्टेट मूवमेंट है, इंटर स्टेट मूवमेंट है, आया जा सकते हैं बिना किसी पास के साथ। एंड उसी के साथ साथ टूरिस्ट का जो मूवमेंट है वो खुलेगा 10 तारीख से। टूरिज़म के जितने भी सर्विसेज हैं, होटल्स या टैक्सीज, ये सारे वो खुलेंगे 10 तारीख से। एंड 27 सितंबर से आप जो है होटल बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि 27 सितंबर से जो है होटल का बुकिंग का प्रोसीजर खुल जाएगा। तो उस दिन से आप अपना होटल का बुकिंग अगर करना चाहते हैं एडवांस तो वो कर सकते हैं। एंड अब आपको जाके वहाँ पे क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो अनलॉक 5 है उसका कोई गाइडलाइंस नहीं आया, वो गाइडलाइंस आएगा अभी 1 तारीख को। तो 1 तारीख को जैसे वो गाइडलाइंस आएगा, ट्रैवल गाइडलाइंस फॉर टूरिस्ट, तो जैसे आएगा वैसे मैं आपको फिर से वीडियो के मीडियम से आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा या फेसबुक और जहाँ पर भी लिंक शेयर करूँगा तो आपको पता लग ही जाएगा। एंड अनलॉक का उसका क्या होगा वो सारे तो डिटेल में बता ही दूंगा, जैसे कि अभी तक मैं बताते आया हूँ आप लोगों को। एक चीज़ जो मैं बताना भूल ही गया था लेकिन याद आ गया वो बता देता हूँ। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल में आ रहे हैं तो आपको ऑड इवन फॉलो करना पड़ेगा सिक्किम जैसे आप एंटर करेंगे। वैसे टैक्सीज में आपको नहीं करना पड़ेगा, वो टैक्सी के लिए एकदम फ्री है, वो लिफ्ट कर दिया गया है ऑड इवन का फार्मूला जो चलता था पहले। एंड अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड हेलीकॉप्टर का जो सर्विस है वो भी 10 तारीख से खुलेगा। 10 तारीख के बाद आप हेलीकॉप्टर सर्विस को यूज़ कर सकते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से सिक्किम तक के लिए। फिलहाल तो अभी इतना अपडेट हुआ है और आगे जो गाइडलाइंस आएगा होटल के लिए वो सारा 10 तारीख अक्टूबर 10th को डिक्लेयर होगा। तो जैसे कि बोला मैंने, जैसे वो आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इस ब्लॉग में इतना ही था। एंड जो भी आपका क्वेरीज होगा आप एकदम मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक में कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन या तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में नीचे आप डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ वैसे तो। तो इस ब्लॉग में इतना ही था। तो फिलहाल तो यही कहूँगा कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अनलॉक 5.0 का जब गाइडलाइंस आएगा वो मैं शेयर कर दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप वो ब्लॉग देख सकते हैं अगर आपको सिक्किम ट्रैवल करना है तो। वैसे दार्जिलिंग का भी मैंने ट्रैवल गाइडलाइंस अपलोड कर रखा है, तो अभी तक अगर वो नहीं देखा और आपको दार्जिलिंग ट्रैवल करना है तो आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो। तो फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए इतना ही एंड इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल था। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा अनलॉक 5.0 या फिर कोई दूसरा ट्रैवल ब्लॉग। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन दिस इज दीपू साहा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।